मॉर्निंग, आप कैसे आई हो? आप अच्छी होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज है देव उठान, तो आज हम देव उठान की पूजा करेंगे, तो उसी के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। पर अभी नहीं, शाम को करते हैं पूजा। तो मैं नहा ली हूँ, मम्मी रह गई हैं, वो नहाएंगी, अभी काम करेंगी, क्योंकि गोबर से लीपेंगे चूल्हे के अंदर, वहाँ पर लीप रही हैं अभी मम्मी। तो चलिए वहीं दिखा दिए मम्मी क्या कर रही हैं। और पापा जाएंगे आज मार्केट, गन्ना लेकर आएंगे, फ्रूट्स लेकर आएंगे, सब्जी हरी लेकर आएंगे। देवउठान पर रखते हैं, जहाँ पर पूजा करते हैं वहीं पर। तो चलिए चलते हैं। ये दीवार वाइट मिट्टी से पोत दी है, ये है गोबर और पीली मिट्टी। मम्मी बाल्टी में पानी भर के ला रही हैं, क्योंकि अब लीपेंगी तो पानी की जरूरत पड़ेगी। ये डाल दिया मम्मी ने गोबर और पीली मिट्टी को। पीली मिट्टी और गोबर को मिलाकर गीला कर लेते हैं, फिर इस तरह हाथों से लीपते हैं। मम्मी गोबर और पीली मिट्टी से इस चौके के पास ही लीपेंगी, चौके में जितनी जगह है, क्योंकि मम्मी जो प्रसाद के लिए पूड़ी बनाएंगी तो चूल्हे पर ही बनाएंगी। ये मम्मी लेकर आई हैं दाल। मम्मी ने आज सुबह को उर्द की दाल भिगाई थी, उसी को निकाल रही हैं, साफ कर रही हैं। एक दो बार तो पानी से धुलाई हैं, क्योंकि इनका छिलका होता है वो निकाल दिया है मम्मी ने, भिगा कर रख दिया तो फूल जाता है तो निकल जाता है। आज मम्मी कचौड़ी बनाएंगी। अच्छा, ये सौंफ है, इधर रख लिया। ये सौंफ पीस रही हैं, इसी मसाले में जो सौंफ जीरा मिर्च पीसी है उसी में ये दाल पीस लेंगी। चौंफ बनाने के लिए गाइस मैंने खड़िया को मेल्ट कर लिया है, और ये गेरू है। चौंफ में गेरू और खड़िया की जरूरत पड़ती है, तो मैं इसे फोल ले रही हूँ, महीन पीस ले रही हूँ कि एकदम मेल्ट हो जाए पानी में। चौंफ बनाने के लिए मैं लकड़ी में कपड़ा लगा रही हूँ, इससे कि जो बनाएंगे चौक तो आसानी से बन जाए। मम्मी ढला लेकर आई है, इसे टोकरी भी कहते हैं, हाथों से बनाते हैं वो। ये मम्मी की मम्मी ने बनाया है ये ढला, देखिए पहले जमाने में ऐसे बनाते थे, अब तो नहीं बनाते, अब तो मोल की खरीदते हैं टोकरी सारी। गेरू और इसमें है खड़िया। चौक बनाकर देवउठान की पूजा करेंगे, विष्णु भगवान की, तो उन्हीं को बनाएंगे, इसमें हाथ पैर सभी बनाएंगे, पांच पांच गाय भैंस बकरी चंदा सूरज सभी देवी देवता सभी को बनाएंगे, गणपति बप्पा। चौक बना दिया है, अब अंदर बनाऊंगी सभी देवी देवता। मम्मी देखिए दाल को भून रही है, जो पीसी थी, जो कचौड़ी की फिलिंग बनाएंगे उसके लिए दाल को भून रही है। और पापा जा रहे हैं अब मार्केट। पापा खेत से धान काट कर आए थे, फिर नहाकर तब जा रहे हैं। बना रही हूँ गणपति बप्पा, ये बना दिए मैंने। सूर्य चंद्रमा स्वास्तिक स्टार बनाऊंगी, तारे। ये हाथ बना रही हूँ श्री हरि के, सभी देवी देवताओं को बना दिया है मैंने। अब चक्र बना रही हूँ, ये एक लाइन खींचती है, इसी पर सात लाइनें होती है, गोल गोल चक्र बोलते हैं। ये चक्र बना रही हूँ मैं।
मीठी में लौकी का हलवा लिया है, फूलगोभी है, गन्ना के टुकड़ा लिए और मूली की सब्जी ली है। कोई भी सब्जी हो घर में वो रख लेते हैं प्रभु के लिए। ये मैंने सारा सामान रख दिया है। मम्मी तैयार हो गई है, देखिए गाइस उन्होंने साड़ी पहन ली है। ये देखिए अब मम्मी चौक पर थाली रखने जा रही है पूजा की, तो चलिए चलते हैं। देखिए मम्मी गेहूं करेंगे, नीचे चकली जो बनाई है चकली उसी पर गेहूं कर देंगे। ये कर दिया, अब ये जो पूजा की थाली है वो रख देंगी मम्मी। मम्मी ने दक्षिणा के लिए 11 रुपए रखे हैं। ये परात है उसे कवर कर देंगी। ये देखिए अब पूजा करेंगी, तब उठाएंगी देव को विष्णु भगवान को। और ये जल रख दिया है लोटा में। मम्मी के हाथों में नेल पेंट लगा रही हूँ, मम्मी रेडी हो गई है एकदम, बस नेल पेंट रह गई है, पूजा करेंगे। अब मम्मी पूजा करेंगी, तो मम्मी सबसे पहले देव को उठा रही हैं, इस तरह से उठाते हैं। तो देखिए अब परात को हटा दिया है, अब मम्मी रोली लगा रही हैं सभी भगवान को, देवी देवताओं को सभी को लगा देंगी। ये विष्णु भगवान है। मम्मी ने विष्णु भगवान को उठा दिया है, अब उन्हें भोग लगा रही हैं। मम्मी ने भोग लगा दिया है, अब जल चढ़ा रही हैं, जल पिलाते हैं भगवान जी को। तो देखिए अब चरण छू रही हैं। बन गए और